का कब हो चलाएगा घर। अच्छा तो कहा लगी। अच्छा लो तेल फुले लगाए दी तो पीठ में तेल लगाई नहीं रगड़े उसके बाद कहा लगी चलो खाना खाओ चले। जब पति देवता खाना खा लग तो अपना लेके अब ही कल ही कल आदमी जब खाना खा रहा है तो कहे तनिक दाल लाओ तो कहा कहती निकाल नहीं पावती हो वहां आवाज का कहती वह तेरी बैठी भी आना। हाँ कह लगी एक काम कर तुम टाइम टाइम से खाना खावा करो अब हम तुम्हारे खो सेवा करो तुम समय समय से खाना खावा करो टाइम को टाइम खाना खाओ पेट खराब जाई नहीं। और पहले तुम कत्ते ग्वार ग्वार रहो मंसूरी टमाटर तन के अब तुम झोला चहारा हो गए हो भैया। अब लेकिन जब खाना खाए लंग चांग तो कहा लगी एक काम करो चार कौर खाना रख दियो तो हम तुम्हारा झूठ खाब। ओ पति देवता कहला का दादा संसार पूरा एकदम से बदलेगा का हमारे जाने का मूड कटैया है का कोई डरा है बेचारो बहुत। शाम के खाना वाना खा के लेटे तो बैठ गए गुड़वारी और पांव धीरे धीरे दाबे लगी। जब पांव दाबे लगी तो पांव दबवावे लेकिन ये जहां सोचा कि कुछ बात नहीं भरा हरे हमारी दशा खराब हो या भोर है लेके बांका काट डाली मीठ में ज्यादा बोल अतका मीठा होता है वो अपने नाश कराता है अतका मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। तो कहा लगी कहा अब सोचे तो अब जब पैर वैर दाब दो भाई तब तो कहा लगी एक काम करो कल सवेरे हर मचिया उनके खोपड़ी वाली पड़ोसन वाली बात जाएंगे ना तो कहा लगी सवेरे हर मचिया आयो घड़ी देखा 9 बजे चले आयो घाम न लगे पावे लेकिन यार बात सुन लो जब पाप जब आयो हर लेके तो द्वारे बैल न खोलो सबसे पहले पानी मांगियो। तो कहा लग ठीक रात भर यहा चिल मनमा घुआका की न पानी मांगे कहे 9 बजे हर लावे कहे सवेरे बिचरो हर मचिया आए दिन जब 9 बजा तो मारे डरन के रे जहा तो छोरैया नहीं प्यासे उसे थोड़े रहे लेकिन हर छोर दिन आए प्यासे नहीं रहे लेकिन उनका ध्यान अब ए पत्नी जब देखे कि उदय आए गए बेचुपुरवा के रे किनारे मंदिर के रे भलमा तो ये लैके धान वह सवैया भर वह में झूठ मूठ कूचे लागी आए तो यू बेचारो झूठे मुठावा दिन देवी पानी। जब वही पानी मांगी ना तो उनका मूसर ऊपर रहबे करे और ये जब पानी मांगी ने तो इनका मूसर खाले रहे लेकिन ऊपर कह के मारे मुरट्टी के छोड़ जाए पानी आए ध्यान। जब छोड़ दिन तो ये जब छोड़ दिन मूसर तो ये जब चल दिन तो ये सोचे ने देखी भला पड़ोसिन क्या टंगा रहे का हमारा भला लटका है कि नहीं लटका तो ये घूम के लागी दिया खे जब घूम के लागी दिया खे तैले वैसे से लौट चुका रहे तो वह धार बढ़िया रहे पहले खाले लाग रहे ने तो धान कुटबे नहीं करती वह भैया तल्ली बैठ गए हिया से ने तो वह सीधे नाक मुंह बोनट उठे सब छुआल चला धान नद गिरा जमीन में यहाँ अब इनके सब भल 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 खून बहे इनके गुस्सा लागे मरी गौ पड़ोसी के और मूसर रुक गो रहे और तुमसे मरी गौ बराबर नहीं किन वह मूसर ले गई पीठी में 3 मन घम घम मरी गौ तुम्हारे दम तन क्यों नहीं। पड़ोसी की द्याखा दोने में कबू न चलो कि पड़ोसी का करते कैसे रहते हैं यू अपने हिसाब से चलो। पड़ोसी अगर पड़ोसी के रे पैसा है वह 3000 रुपये धोती पहरे है और तुमरे क्षमता ने तुम हुन हुनाए बैठो हमको चहे नकबुल्ला तो बताओ का हुई। पड़ोसी ना चलो अपनी परिस्थिति पर चलो दिमाग के अंदर संतोष रखो गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान और जब आ जा संतोष धन सब धन धूर जी के घर में संतोष जनक माताएं हैं आदमी भले गरीब हो लेकिन स्वस्थ हो जी के घर में माताएं संतोष जनक नहीं है रुपया पैसा कत्तो गाढ़ा हो लेकिन उनके घर में कलह मची रही। भाई मेरे आज बड़ा विचित्र बात तो पतिव्रता देवी देवी धीरे धीरे बनती है एकदम से नहीं बन पाती
नर्मदा अपने पति से हाथ जोड़कर विनय उचारी, काह चूक भय नाथ हमारी। 6 महीना आपकी सेवा करते हो गए स्वामी, हमसे कहां गलती है जो आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा नहीं देखा, कहां कमी है? तो अब कोड़ी बोला देवी, मुस्के ही कहा हम, हमार मन हिया है नहीं। नर्मदा बोली मन है कहां? तो कोड़ी बोला कि हमारा मन है महावन पर। कोड़ी बोला कि मन हमारा है बैश्या के घर में, एक रंडी से हमारी दोस्ती थी और उसी बैश्या के चक्कर में हम दुखी हैं। बताओ कोई के देवी इतनी सेवा करते हो दिन रात, और तक पूछने लगे के तुम खुश काहे नहीं होते हो? तो अगर आदमी कह दे कि हमार मन हुआ नहीं है, हमार मन है एक बैश्या के दिल में लगा दिलो, तो वह देवी खुश होई? मरी बहू तुम्हारा इतनी सेवा करते हैं, तुमका आजू रात बल बल आ दिया। अतनी बात हो जाए लेकिन देवी के मस्तक में गर्मी ना होए, वो कहते हैं पतिव्रता। नर्मदा विचार करने लगी, बोली स्वामी अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती है ना। तो नर्मदा बोली पिया, अगर तुम्हारा मन वैश्या के घर में है, अगर तुमका वैश्या के घर ले चले तो का खुश हो जाई आओ? कोड़ी बोला हाँ। कोड़ी बोला हम खुश हो जाओ। तो नर्मदा ने विचार किया, आप दिन में ले जाए तो कुछ जने हमका कहें, कुछ जने किनका कहें, क्योंकि और इनकी बदनामी तो हमारे, हमारे बदनामी तो इनकी। पति पत्नी माँ दू जने के आग जने की बेचती है, एक जने की बेचती हो जाए तो यहाँ लो बराबर दोनों जने की बेचती भाई, पति पत्नी रिश्ता ही हुआ है। नर्मदा ने विचार किया, अगर दिन में ले जाए पैदल चलना पे, अगर इनका कंधे पर बिठाया ले जाए, अगर कंधे पर बिठा के ले जाओ तो यहाँ कहे अरे ये योद्या आदमी महाराजा थे पत्नी के रे कंधे बैठ, और कुछ ने आओ कहे यहाँ दिया औरत दिया खो कतना मान दिया हद्या, बुढ़ो के कंधे बैठा रे, दिन माने ले जा। जब रात के 12 बजे तो अपने कोढ़ी अंधे पति को कंधे पर बिठाया, वारे भारत की सती इसको कहते हैं। जो दिल से जोग साधे जोगन वही है, दिल से जोग साधे जोगन वही है, दिल से जोग साधे को बिठाया कंधे पर, तो कंधे पर बिठा करके चल पड़ी, जा रही है जंगल में रात में। भैया ना कोई उजेला है, ना उजरिया रात है, ना बिचारी के पास कोई वाहन है, ना पैर में है चप्पल है। बताओ जा रही है कौन से वन में पहुंच गई रात के 12 बजे? बहनों वही तुम हो, वह खानदान के हो, वह तुम हो। अब ही आ जाओ, लेकिन हलवा पूरी खाती हो
तो कहा ग्वाबर होती जाती आओ। ए यक बन नांगी बहिनी दुई बन नांगी गई भैया।